फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी, शाम के खाने की तैयारी। और थोड़ा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी ही खाना है, क्योंकि आज से मैं थोड़ा सा डाइटिंग पे हूँ तो टाइमली खा लूँगी, है ना। और साथ ही में मुझे आज आप लोगों को दिखानी है अपनी करवा चौथ की तैयारी। तो ये तैयारी वैसे मैंने बायने वगैरह के संडे को कर ली थी, मेरी मुझे ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी थी क्योंकि मेरे पास सब कुछ रखा था और इस बार जो मैं पहनने वाली हूँ ये सब ना मेरे पास रखा था, बाकी चीज़ें मेरे पास कुछ आ जाती हैं ऐसे करके बहुत सी चीज़ें मेरे पास रखी हैं, तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं था। तो ये खाना बना के फटाफट से आप लोगों को करवा चौथ की तैयारी दिखानी थी। संडे वाला व्लॉग जो है आपको इसके बाद मिलेगा, मैंने सोचा करवा चौथ आने वाली है तो फटाफट से ये दिखा देती हूँ। सबको भी शौक भी रहता है ना कि क्या पहनने वाले, और सबकी एक दूसरे की तैयारी देख कर लगता भी अच्छा है ना। तो फिर मैंने कहा पहले ये दिखा देते हैं, और फिर मुझे करवे वगैरह भी कलर करने थे तो वो सारा काम भी था आज, तो फटाफट से ये खाना की तैयार हो जाए ना। तो फिर पूजा अपनी करके दिया बत्ती करके फिर मुझे मंदिर में ये कटेची रखी है उसी में जो मैं पहनने वाली हूँ ना वो उसी में रखा है, तो वो निकालना था। तो निकाल के फिर आप लोगों को दिखाऊं, फिर अपनी करवे वगैरह की भी करूं, फिर मुझे वॉक वगैरह भी करनी थी, तो सारा टाइम को मैनेज करके चलना था। तो फटाफट फटाफट मैंने खाना बनाया और ये बस दिया बत्ती की। इसी अटैची में है लहंगा, तो मैं इस बार लहंगा ही पहनने की सोच रही हूँ। पता नहीं इस बार मेरे माइंड में यही आ रहा है, वैसे तो पिछली बार भी सोचा था लेकिन बहुत हैवी है पहनने में, दिखने में उतना हो नहीं हो लेकिन पहनने में बहुत ज़्यादा हैवी है। भाई की शादी में जो मैंने लहंगा लिया था एक बार ही बस पहना है, तो मैंने सोचा चलो इस बार करवा चौथ में काम लेते, तो वो निकाल रही हूँ, निकाल के फिर आपको पूरी तैयारी दिखाती हूँ। ये रहा मेरा लहंगा। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड पैची। तो मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है फटाफट फटाफट, मेरा खाना भी हो गया है क्योंकि मैं आज से थोड़ी सी डाइटिंग पे हूँ, तो मैंने जल्दी से खा लिया था ताकि पच जाए डाइजेस्ट हो जाए। और अब मैं दिखाने वाली हूँ अपनी करवा चौथ की तैयारी। ये वाला व्लॉग जो है एक और व्लॉग है, उससे पहले मैं भी डाल दूँ क्योंकि करवा चौथ आने वाली है, तो करवा चौथ की तैयारी फटाफट से दिखा दूँ। तो क्या है कि मैं जब संडे था ना कल, तो मैं साड़ी वगैरह बायने की सारी चीज़ें लेके आ गई थी, और इस बार मेरा मन है कि भाई यार लहंगे वहंगे ऐसे काम नहीं आते हैं तो मैं लहंगा पहनूँ, तो वो दिखाऊंगी आपको। और सारा मेरे पास रखा हुआ है, देखो सारा स्किन केयर का भी सब कुछ मेरे पास है, और लहंगा पहनूंगी तो वो लहंगा है। सुबह का मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है, और बस मेरी करवा चौथ की तैयारी है। हाँ लेकिन बायने में तो देखो लगा ही है, क्योंकि बायने की तो सारी चीज़ें नई लेके आई हूँ, साड़ी लेके आई हूँ, सब कुछ लेके आई हूँ, है ना। और एक दो चीज़ें और अभी मुझे कुछ एक लानी है तो वो डाल दूँगी, लेकिन एक बार दिखा देती हूँ। तो क्या क्या पहनने वाली हूँ, कैसे मैं तैयार होंगी, किस चीज़ से, और चूड़ी वगैरह सारा सेट है ना, और ये बायना दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बायना दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए गाइज, मैं बायने की लेके आ गई चीज़ें। ये देखिए साड़ी, ये ऐसी है, अच्छी है ना, मुझे अच्छी लगी। बॉर्डर है इसमें और वर्क इसमें पूरे में है। इस बार मैं पिंक कलर की लेके आई हूँ, गाजरी सा कलर है उसमें रेड बॉर्डर है, तो ये कॉम्बिनेशन है साड़ी बायने की दूंगी जो मैं, इस तरीके का है ना। और ये सारा बायना अपना जो भी सुहागी चीज़ें होती है, इसमें मुझे कुछ चीज़ें और डालनी है जैसे कि कांच हो गया, पाउडर हो गया, फेस वॉश हो गया, ये क्या हो गया, स्क्रब हो गया, पील ऑफ वाला हो गया, कंघा हो गया, मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर, काजल, शैम्पू, और लिपस्टिक, नेल पेंट, और ये क्रीम है, वैसलीन है, और आईब्रो पेंसिल है, रबड़ है, चूड़ियां हैं, दक्षिणा वगैरह डालनी है। एक दो चीज़ें और मैं सोच रही हूँ डाल दूँ। हाँ सेफ्टी पिन भी अभी मेरे पास रखा है पूरा नया का नया, तो वो सेफ्टी पिन भी डलेगी। ऐसे करके छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। तो ये मेरा हो गया बायने की तैयारी। ये दो करवे मैं लेके आई गई थी, वैसे तो कलर वाले भी मिल रहे थे लेकिन आपको पता है कि मुझे घर पे सब कुछ करना पसंद है। हालांकि प्राइस में बिल्कुल अंतर नहीं था, ये 10-10 रुपए के दो हैं, वो 15-15, 20-20 के मिल रहे थे, तो कोई मेहनत अगर जो नहीं करना चाहता है वो तो लाल कलर वाले किए हुए ले सकता है, बट मेरी आदत है कि मैं मेहनत करूँ, घर पर ही सब करूँ, त्यौहार वाली फीलिंग मुझे आए, तो इसलिए मैं ये सिंपल प्लेन वाले लेके आई हूँ। ये बायना जैसे मैं उसका नहीं देती, मैं स्टील का ही देती हूँ, तो ये लेके आई थी, ये सब चीज़ें लेके आई, साड़ी लेके आई, करवा लेके आई, ठीक है। अब करवे को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए कलर हैं, रेड है, येलो है, और भी हैं, ये देखिए,
और इसमें मुझे मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं, कुछ टेप है, ब्रशेज़ हैं जिससे कि मैं कलर अभी करूँगी, और ये कुछ स्टोन्स हैं, और भी स्टोन हैं मेरे पास, ये देखिए है ना, रेड गोल्डन कांच हैं कुछ, ऐसे करके इससे मैं करवे को डेकोरेट करूँगी जैसे कि हर साल करती हूँ, आप लोगों को पता ही है ना। तो ये तो रही मेरे बायने की तैयारी, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी तैयारी। हैवी है वैसे, पूजा पूजा के टाइम पे पहन लूँगी, फिर कुछ हल्का हुल्का डाल लूँगी। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ये मुझे बाहर लेके जाते हैं खिलाने के लिए खाना, तो फिर वो इतना हैवी ज्वेलरी और सब कुछ नहीं पहन सकते हैं ना, तो वैसे भी पूजा वूजा करके और दूसरा चेंज करना ही पड़ता है। तो मैं पहनने वाली हूँ ये लहंगा, मे भी मेरी मन हो रहा है क्योंकि इतना हैवी फिर और किस चीज़ में पहने, करवा चौथ हो या कोई शादी हो या ऐसे ही पहन सकते। एक लाइट वाला है मेरे पास स्काई ब्लू कलर का, वो सोच रही हूँ मैं दिवाली पे डाल लूँ क्या। तो ऐसे ये इसके साथ की चूड़ियाँ हैं, ये देखो इसके साथ की चूड़ियाँ हैं, और ये वैसे हाफ हाफ है, मैंने एक हाथ में डाल के आपको दिखाने के लिए कर दिए। ये इसके मैचिंग की है मतलब चूड़ियाँ, पूरा सेट है तो ये, और इसके मैचिंग की लिपस्टिक और सब कुछ मेरे पास है क्योंकि अभी मैंने मंगवाई थी, नेल पेंट है सब कुछ है, वो दिखाती हूँ अभी। और मैं मेकअप करने वाली हूँ बीबी क्रीम से ही, तो दिखाती हूँ अभी वो चीज़ें भी। देखिए ये बिल्कुल न्यू बीबी क्रीम मेरे पास रखी है, तो मैंने यूज़ ही नहीं ली अभी तक, तो ये इसे मेकअप करूँगी मैं। फाउंडेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर मैं सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, बट पॉन्ड्स की बीबी क्रीम या लैक्मे की सीसी क्रीम। ये देखिए ये ब्लू हेवन की मैंने मंगवाई थी, बिल्कुल मैचिंग वाला कलर है ना ये इसके लहंगे वाला। ये मेरे पास नेल पेंट है उसी कलर की है ना, और काजल वाजल सब रखा है, मस्कारा मैंने मंगाई लिया था है ना, और ये कॉम्पैक्ट वगैरह और आई शेडो वगैरह हाईलाइटर और सब रखे हैं मेरे पास, तो इससे मेकअप हो जाएगा। और मेहंदी के कोन मैं लेके आ गई हूँ कि क्या पता, पहले मैंने सोचा था इस पे तो मैं लगा लूँगी और इस वाले पे मैं बाहर से लगा लूँगी, लेकिन इनकी छुट्टी होती नहीं, वो संडे वाले दिन ही करवा चौथ है तो उसी दिन इनको छुट्टी मिलेगी, तो सुबह सुबह तो क्या फिर, तो मैं सोची हूँ एक पे तो मैं लगा ही लूँगी और हो सका तो एक इस हाथ पे मैं, क्योंकि राइट हैंड से मैं कर नहीं सकती, लेफ्ट से इसमें नहीं लगेगी, वैसे लगाने को मैं लगा लेती हूँ लेफ्ट हैंड से भी, बट नहीं लगी तो फिर बाहर से देखेंगे। अदरवाइज ये आईब्रो पेंसिल और सब कुछ मेरे पास रखा है। ये देखिए मेहंदी के कोन भी मैं लेके आ गई हूँ, तो ये सब, ये बिंदी दिखाते, ये बिंदी भी मेरे पास रखी है, ये देखिए ये कलर दिख रहा है ना, ये मेरे मैचिंग का है ना, और नहीं तो इसमें से हो जाएगा। आजकल इस टाइप की मैंने लगानी बंद कर दी, बिल्कुल छोटी वाली लगाती हूँ, वरना मेरी शादी हुई हुई थी तो बहुत सॉरी बिंदी इस टाइप की लगाती थी, आना जाना भी काफ़ी था उस टाइम पे। ये पायल पहनने वाली हूँ ना, एक बड़ी वाली बिछिया भी है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी वाली, बट मम्मी ने दी थी ना शादी, भाई की शादी में, वो वाली पायल मैं पहनने वाली हूँ इस बार। खाती ये पायल बिल्कुल नहीं है, करवा चौथ पे यूज़ लूँगी मैं, ठीक है। बिछिया इस बार छोटी वाली पहनूँ क्योंकि ये मैचिंग की है, नहीं तो। ये थी मेरी तैयारी, और भी चीज़ें कई करने को होती है, अभी करवा चौथ की, अभी मैं करवा कलर करूँगी तो वो करूँगी अभी, तो करवा चौथ की मेरी तैयारी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी थी कल ही, और बस वो करवा वरवा कलर करने का है। थाली मेरी थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो मैं सोच रही हूँ थाली का भी डेकोरेशन, थाली को भी डेकोरेट करूँ, देखते हैं होता है नहीं होता है। तो चलो पहले तो ये निकालूँ हैवी हैवी चूड़ियाँ। सो ये देखिए ये सब भी मेरे पास रखा ही है, जो भी फेस पैक है, जो भी उबटन पाउडर है, या ये देखिए एवर यूथ का भी है, ओरिगेंस के भी सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास रखे हैं कई तरह की फेस पे लगाने की। ये
ये छोटे छोटे भी रखे, पील ऑफ वाले और भी हैं, ये चंदन पाउडर और ये सारे जेल वगैरह, मॉइस्चराइजर, टोनर, सब कुछ, ये सब कुछ मेरे पास रखा है। बाकी ये सब कुछ ना भी हो तो हमारे पास होम रेमेडीज तो है ही, है ना, जैसा कि हमेशा करते। तो ऐसा कुछ बाहर जाके ब्यूटी पार्लर से कोई फेशियल और कराने की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो घर पे ही सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ रखा है, नहीं तो बेसन और चावल का आटा ये भी बहुत है हमारे लिए तो, है ना। तो ये सब कुछ रखा है, तो ये सारी तैयारी तो है मेरी। बस हाँ, थ्रेडिंग मुझे करवानी है, जो कि मुझे करवा के आनी है। बाकी मुझे और कुछ भी नहीं करवाना है, और बाकी ये सब कुछ कर लूँगी मैं। और उपटन वगैरह जो भी हाथ पैरों पे जो भी करना हो, उपटन वगैरह वो भी घर पे ही होगा करवा चौथ से पहले, क्योंकि अब इतनी क्लीनिंग की है तो भैया अपने हाथों की पैरों की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है ना। करवा चौथ वैसे भी आने वाला है, तो ये मेरी ये वाली तैयारी। तो बस यहाँ पे मैंने इल्लू को खाना खिलाया था और इनके लिए रोटियां सेक के रख दी, और बस यहाँ पे करवे पे कलर करने के लिए बैठ गई थी। ये सब अपने हाथों से करूँ ना तो अलग ही फीलिंग आती है। हाँ, कई बार कुछ लोग नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तब नहीं कर पाते। जब इलू छोटी थी तब मैं अभी उतना नहीं कर पाती थी, अब इलू बड़ी हो गई तो मैं पहले, जैसे शादी से पहले तो सब कुछ ये सब होता ही था, तभी तो आज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में यही सब चलता रहता था। कोई हर त्यौहार को क्रेज से मनाना, कोई दिया करना है, कोई सोफा बेक करनी है दिवाली पे, हर त्यौहार को क्रेज से ही हम सब लोग, मम्मी पापा भैया मैं शिप्रा, ये सब बहुत क्रेज से मनाते थे हर त्यौहार। तो बस फिर इलू को भी बिठाया, मैंने कहा इलू एक करवा तू भी कलर कर, तो ये भी इसने, इलू ने किया। फिर बस डेकोरेट मैं फटाफट फटाफट कर दूंगी और बस करवा चौथ की तैयारी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, करवे डेकोरेट हो चुके हैं, बाकी सारी तैयारी मैंने आप लोगों को दिखा दी, और जो कुछ बनाना बनाना है प्रसाद वो उसी दिन होगा, है ना। तो कैसे लगे करवे और कैसी लगी मेरी तैयारी, और छोटी मोटी चलती रहेगी साथ साथ में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।